और बढ़ता इस बीच खबर है ग्वालियर से, मतदान की गोपनीयता भंग करना भारी पड़ गया। इसी के साथ दो मतदाताओं के खिलाफ अलग अलग थानों में FIR दर्ज हुई है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई हुई और वोट डालने के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाया था, सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को पोस्ट किया गया था। ग्वालियर और शिवपुरी में मतदान केंद्र में वीडियो बनाया था जिसके बाद कार्रवाई हुई। देखिए ये वो वीडियो सामने आया और ये वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया। मतदान की गोपनीयता जो रहती है उसे भंग कर वीडियो बनाया गया और मतदान की प्रक्रिया को, गोपनीयता को भंग किया गया और यही युवकों को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है, मामला दर्ज किया गया, दो मतदाताओं के खिलाफ अलग अलग थानों में FIR दर्ज हुई। संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्ण, जो गोपनीयता रहती है उसे भंग किया गया, वीडियो बनाया गया, तस्वीरें भी सामने आई हैं, मामला दर्ज कर लिया गया, क्या जानकारी? निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई हुई है, जहां पर मतदान की गोपनीयता भंग करने का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के ग्वालियर विधानसभा और पौड़ी विधानसभा अंतर्गत ये दो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे, जिनमें मतदान करते हुए EVM की वीडियो, उसके साथ VVPAT की वीडियो में जो प्रिंट स्लिप है उसको दिखाया गया था। कहीं ना कहीं जिस तरह के ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, इसकी जानकारी जैसी जिला निर्वाचन अधिकारियों को लगी, तत्काल इस मामले में एक्शन लिया गया और ग्वालियर विधानसभा के मतदान केंद्र के मांग जाती के वीडियो की जब पहचान की गई तो गिरिराज सिंह परमार की फेसबुक आईडी से अपलोड किया गया था, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है बड़ापुर थाने में। इसके अलावा दूसरा वीडियो जो है वो पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 126 का था, ऐसे में उसकी पहचान जो है होकम वर्मा नाम से हुई, जिनकी भी FIR दर्ज कराई गई है। साफ तौर पर हमने कल देखा था कि जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है प्रवीण पाठक, उनका विवाद CRPF के साथ हुआ था और विवाद की वजह यही थी कि CRPF के जवान मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने के लिए मना कर रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चूंकि नियमानुसार मोबाइल फोन जो है मतदान केंद्र के अंदर ले जाना प्रतिबंधित है और ऐसी स्थिति में मतदान केंद्र के अंदर तक मोबाइल का पहुंचना, फिर वीडियो बनाना, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करना, तो कहीं ना कहीं ये गोपनीयता भंग करने का मामला है। और अब इस मामले में जिस तरह से बातचीत रही है जिला निर्वाचन अधिकारी से, वो लगातार सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अन्य लोगों ने भी अगर इस तरह की गतिविधि की होगी सोशल मीडिया पर, वोट की हुई, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।